Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Ayushi Joshi, and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 14th of August 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. ओके सो आज के न्यूज़पेपर में आज के न्यूज़ एनालिसिस में बहुत कुछ है. इंग्लिश हिंदी सभी सब्जेक्ट्स में सभी कोर एरियाज़ को हम कवर करेंगे एंड उसके अलावा सारे टॉपिक्स मतलब पॉलिटिक्स ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, साइंस ले लीजिए और एडिटोरियल तो है ही. इन सभी जो आर्टिकल हैं या इन सभी चैप्टर्स को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे जो कि आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड हैं. ओके द फर्स्ट न्यूज़ एनालिसिस का जो फर्स्ट आर्टिकल है दिस इज़ अबाउट पॉलिटिक्स. गहलोत पायलट मीट अहेड ऑफ की सेशन. की सेशन के लिए गहलोत और पायलट एक दूसरे से मिले हैं. CLP स्ट्रेटजी बताई गई है यहाँ पे. CLP ने स्ट्रेटजी डिस्कस की है असेंबली सेशन के साथ में और BJP ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया है. ठीक है, एंडिंग द मंथ लॉन्ग पॉलिटिकल टर्म ऑयल. काफ़ी देखिए लंबा हम कह सकते हैं दोनों के बीच में पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे पायलट और गहलोत के बीच में. दे वर लाइक यू नो काफ़ी आरोपारोपण भी दोषारोपण भी एक दूसरे पे किया गया था. उन सब के चलते काफ़ी जो है हम कह सकते हैं गर्मा गर्मी कांग्रेस में पिछले दिनों नज़र आई. वहीं कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण लीडर्स हैं सचिन पायलट एंड ऑल उनको भी पार्टी से बेदखल कर दिया गया. और आफ्टर दैट CLP में अब जो है गहलोत ने CLP मीटिंग को अनाउंस किया है. कांग्रेस जो है उसके ऊपर BJP ने उसके ऊपर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया है एंड गवर्नमेंट विल फेल BJP लीडर टेल्स MLA. BJP लीडर जो है उन्होंने MLA से कहा कि गवर्नमेंट जो है इस मामले में फेल हो जाएगी. एट अ मीटिंग अटेंडेड बाय BJP लेजिस्लेटर्स इन जयपुर पार्टी नेशनल जनरल सेक्रेटरी पी मुरलीधर राव का ये कहना है कि देयर इज़ नो वे आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है. लुकिंग एट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट फाइव वीक्स पिछले 5 हफ्तों से जो भी इवेंट्स हुए हैं उनका कोई रास्ता आगे नज़र नहीं आ रहा है. दैट द गहलोत गवर्नमेंट विल सर्वाइव इट्स फुल टर्म. इवन गहलोत गवर्नमेंट जो है वो अपना फुल टर्म सर्वाइव करेंगे. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है BSP मर्जर के डिसीजन पर जो स्टे था उसे. सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे राजस्थान असेंबली स्पीकर CP जोशी September 2019 डिस्कशन टू रिकॉग्नाइज द मर्जर ऑफ 6 BSP MLAs विद द कांग्रेस. इट सेट इट विल नॉट इंटरफेयर एज द केस अगेंस्ट द मर्जर इज बीइंग हर्ड बाय द हाई कोर्ट. ओके सो ऑल इज टू लाइक ये जो चीज़ें हो रही है या ये जो चीज़ें दिख रही है अल्टीमेटली अब कहीं पर जो है दोनों जो हम मिल रहे हैं दोनों का जो एक जो ठोकर कार्य होते हुए करते हुए नज़र आ रहे हैं तो वहाँ ये कहा जा सकता है कि समवेयर BJP और जो का जो दावा है या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है उसमें फिर से एक मजबूती नज़र आ रही है. एक कहीं ना कहीं ये उम्मीद नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में दे आर गोइंग टू बी द वन. ओके एंड ये जो स्ट्रैटेजी जो अगेन दोनों के बीच में नज़र आ रही है कांग्रेस लीडर्स के बीच में उस स्ट्रैटेजी को देखते हुए लग रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स पिछले कई महीनों से चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट. बट हेयर अभी तक तो यही कह सकते हैं कि देखते हैं आने वाले टाइम में इसकी सेशन का क्या रिजल्ट रहता है, क्या कमिटमेंट्स रहते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं. उसी के बेसिस पे ये पता चल पाएगा कि इन दोनों के बीच में जो चल रहा है दिस इज़ द फैक्ट और दिस इज़ द ओरिजिनलिटी और ये सब सिर्फ दिखावा है ना. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. टैक्स पेयर्स चार्टर. PM नरेंद्र मोदी जी ने टैक्स पेयर्स की का चार्टर पेश किया है. मूव टू ऑनर ऑनेस्ट एसेसेस. PM नरेंद्र मोदी टू अनाउंस्ड और टू लॉन्च बेसिकली ऑन थर्सडे दे लॉन्च्ड अ ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म जिससे कि फेसलेस असेसमेंट्स होगा, फेसलेस अपील होगी और एक टैक्स पेयर्स के लिए जो है चार्टर भी पेश किया गया है जिसके तहत
टैक्स पेयर जो है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर, उनको ऑनर किया जाएगा. ही अपील टू दोज नॉट पेइंग टैक्स डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी टू कम फॉरवर्ड एंड कमिट देमसेल्व टू द कॉज ऑफ मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट. कंट्री के सेल्फ रिलायंस को फोकस करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चार्टर को लॉन्च किया है. और उनका ये जो टैक्स पेयर, जो देश की जनता है, उनको संबोधित करते हुए कहा कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए तो चार्टर है ही, और बहुत धन्यवाद है उनका जो वो देश के सक्सेस में हेल्प कर रहे हैं. बट स्टिल जो लोग कैपेबल हैं लेकिन टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, उनसे अपील है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आगे आएं और टैक्स पे करके अपना फ़र्ज देश के प्रति अदा करें और सेल्फ रिलायंस होने में देश की मदद करें. ही अपील टू दोज नॉट पेइंग टैक्स. उन्होंने उन सभी से ये इस चीज़ की अपील की है. ओके. From September 25, while the faceless assessment and taxpayers charter came into force on Thursday itself, the faceless appeal system will be available from September 25. Faceless appeal system जो है वो करीब 25 September से continue होगा, लागू होगा. The birth anniversary of Deen Dayal Upadhyay, 25th September will be the birth anniversary of Deen Dayal Upadhyay sir, and the assessment system seeks to eliminate corrupt practices by doing away with the territorial jurisdiction of income tax offices. Okay, so ultimately to way of clarity to go through the honest taxpayers and to avoid all those people, all those persons who are avoiding to pay tax, this is for all those people. Okay, ये उन सभी लोगों के लिए, उन सभी जो कह सकते हैं लोगों के लिए जो कैपेबल हैं बट दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस, एंड टैक्स पे करने वालों के लिए चार्टर पे किया गया है. समवेयर इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव फॉर टैक्स पेयर्स. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन राइट प्रिस्क्रिप्शंस इन कैपिटल लेटर. बड़ा अजीब लगता है कि प्रिस्क्रिप्शंस वर्ड आते ही डॉक्टर दिमाग में आता है, और डॉक्टर के दिमाग में आते ही वर्ड्स और लेटर्स या राइटिंग्स को लेकर जो एक हम कह सकते हैं कि घूम जाता है दिमाग में कि डॉक्टर राइटिंग इज़ लाइक यू नो इट्स अ फेमस थिंग, डॉक्टर्स कांट राइट वेरी वेल. ओके, आई मीन ऐसा नहीं है कि नहीं डॉक्टर्स गुस्सा ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ठीक से लिख नहीं सकते, काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन उनके पास में इतना ना तो वक्त होता है और इतना पढ़ते पढ़ते, इतना कुछ पढ़ते पढ़ते उनकी हैंडराइटिंग थोड़ी फ्लोइंग सी हो जाती है. सो राइट प्रिस्क्रिप्शंस इन कैपिटल लेटर. अब ऐसा किसने कहा है, ये उड़ीसा हाई कोर्ट के का कहना है. उड़ीसा हाई कोर्ट के, या हम कह सकते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट जो है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत डॉक्टर्स को जो प्रेस्क्रिप्शंस हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखने होंगे. ठीक है, तो रीज़न क्या है इसके पीछे, उनको लगता है कि जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर जो भी लेटर्स है, जो भी डेटा है, वो डिफ़िकल्ट है रीड आउट करने में, उसे फाइंड आउट करने में, इसलिए ये कहा गया है कि डॉक्टर शुड राइट दी प्रिस्क्रिप्शंस इन कैपिटल लेटर. दिस कोर्ट फील्स इट इज़ इम्पेरेटिव that the entire physician community need to go the extra mile and make conscious efforts to write prescriptions in good handwriting. देखिए बड़ा अजीब है, डॉक्टर्स का नाम आते ही एक जो छवि आ जाती है वो फ्लोइंग सी हैंडराइटिंग, जिसमें फर्स्ट लेटर के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता, बट उनके लिए कैपिटल लेटर्स में सारा प्रिस्क्रिप्शन लिखना, इट इज़ क्वाइट यू नो कि डॉक्टर्स को जो ऑलरेडी इतना एफर्ट्स करके आगे तक आए हैं एंड टू बीइंग अ डॉक्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्रिएट हो जाए, और जब डॉक्टर आते हैं पेशेंट्स को चेक करने के लिए, पेशेंट्स के ऊपर जब अपने रूट पर आते हैं, अपने वर्क प्लेस पर आते हैं, तो उनके हेड, उनके दिमाग में जो है एक जो चीज़ घूम रही होती है वो ये होती है कि पेशेंट्स, हाउ टू ट्रीट पेशेंट्स, हाउ टू गो थ्रू दैट, ये वो जो मतलब जो भी रिलेटेड है उससे, मेडिकल से रिलेटेड, और उस बीच में अब उन्हें एक और प्रैक्टिस करनी है हैंडराइटिंग सुधारने की, इट मींस कैपिटल लेटर में लिखने की, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है. लेट्स सी कि क्या जो है आगे डॉक्टर्स के क्या व्यू आते हैं, डॉक्टर्स इसके लिए क्या
आगे क्या लेकर आते हैं, अपना अपने व्यूज़ क्या रखते हैं. बट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर डॉक्टर्स टू राइट इन कैपिटल लेटर्स. बट ये जो आदेश है ये जारी किया गया है उड़ीसा हाई कोर्ट द्वारा. ओके, सो लेट्स सी क्या आगे क्या डिसीजंस बनाए जाते हैं, डिसीजन सामने आते हैं. इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू 6.93%, डेमिंग चांसेस ऑफ अ रेट कट. मैं आपको बता दूँ इन्फ्लेशन की परिस्थिति क्या होती है. इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जिस समय मार्केट में इनफ्लो बढ़ जाता है, पैसा बढ़ जाता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाता है, तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है. मनी की वैल्यू कैसे कम हो जाती है, जब प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइजेस बढ़ जाते हैं. इन्फ्लेशन होना मतलब प्राइजेस बढ़ जाना. प्राइजेस बढ़ जाने का मतलब है मार्केट में पैसा होना, इनफ्लो बढ़ना, और या फिर मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइजेस बढ़ जाना. ठीक है, तो इंडिया में जो है एक्सेलरेट होता हुआ नज़र आया है इन्फ्लेशन. देखिए इन्फ्लेशन की जो एक जनरल रेट है फेडरल रिजर्व द्वारा जो जारी की गई है वो है बेसिकली, या हम कह सकते हैं कि आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, देखिए ये जो रेट होती है इन्फ्लेशन की वो 4% तक होती है ना, और इससे आगे प्लस माइनस में 2% चलता है. तो अल्टीमेटली 6% इज़ बियरेबल. ओके, इन्फ्लेशन की कंडीशन, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है जितना कि इससे ऊपर की इन्फ्लेशन पहुंचाते हैं. इसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है. ठीक है, 6.93% होना मतलब 1% 9.93% तक उस इकोनॉमी का, उस इन्फ्लेशन लेवल का बढ़ना. इन्फ्लेशन लेवल का 6 से ऊपर बढ़ते ही इन्फ्लेशन जो है वॉकिंग इन्फ्लेशन की उस कैटेगरी में आ जाता है. उस कैटेगरी में आने का मतलब है कि ये जो इन्फ्लेशन है बढ़ता हुआ, ये कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने जा रहा है ना. तो मैं आपको बता दूं कि प्राइजेस जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, और जो प्राइजेस है, वैल्यू है, मनी की जो वैल्यू है वो जो डिग्रेड होती हुई नज़र आ रही है. उसको देखते हुए अब हमारे इकोनॉमिस्ट और गवर्नमेंट की ज़रूरत है, आरबीआई की ज़रूरत है कि वो इस तरीके से प्लान्स और टारगेट्स बनाएं कि अब आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन ना बढ़े. यदि इससे ज़्यादा बढ़ा तो इन्फ्लेशन की लेवल हाई होते ही मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ते ही जो है लोगों के अंदर जो डिमांड सप्लाई की चेन है वो इफ़ेक्ट होगी, और इफ़ेक्ट होने का कारण होगा इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन देखिए बहुत वर्स्ट कंडीशन है, वो आपकी इकोनॉमी को बहुत बुरी कंडीशन में ले जाता है अगर सब कुछ नॉर्मल नहीं है तो, है ना. एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, आई मीन अगर 6% से अंदर, हालांकि 6% भी ज़्यादा है, लेकिन 6% से अंदर इवन इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है 3% से अंदर ही इन्फ्लेशन होना चाहिए. 3% से ऊपर होते ही वो वॉकिंग उसके अंदर चला जाता है, एंड इट शुडन बी गो थ्रू दैट. ओके, तो एक्सेलरेशन देखने को मिला है, 6.93% हो गई है इन्फ्लेशन रेट. द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट टू 6.93% इन जुलाई ऑन हायर फूड प्राइजेस. हायर फूड प्राइजेस पर, और जो है जुलाई के अंदर करीब 6.93% ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिला है, रिमेनिंग अबव द आरबीआईज मीडियम टर्म टारगेट फॉर द 10th straight month के लिए जो मीडियम टर्म टारगेट है उसके ऊपर देखने को मिलेगा कि आगे क्या रेट्स चेंजेस होते हैं. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा रिलीज ऑन थर्सडे एंड द जुलाई फिगर वॉज हायर देन द 6.15% फोकास्ट इन द रूटर्स पोल ऑफ एनालिटिक्स एंड द रिवाइज 6.23% रिकॉर्डेड इन जून. तो अल्टीमेटली जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं 6.23 एंड देन 6.93, बढ़ती हुई नज़र आ रही है इन्फ्लेशन की दर. अगर इन्फ्लेशन की दर इसी तरीके से बढ़ती रही तो ये श्योरिटी है कि आने वाले टाइम में महंगाई की दर अपने चरम पर होगी, और महंगाई जब चरम पे होगी तो डिमांड सप्लाई की चेन बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होगी, और डिमांड सप्लाई की चेन इफ़ेक्ट होने की वजह से लोगों पर जो प्रभाव पड़ेगा वो विपरीत होगा, है ना. तो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट. और आने वाले टाइम में कोर इन्फ्लेशन की जो रेंज होती है वो करीब 5.8 से 5.9% तक होती है, और अकॉर्डिंग टू दिस ये हम उसे भी क्रॉस कर चुके हैं, है ना.
तो आने वाले टाइम में क्या कंडीशंस क्रिएट होती है, और इन्फ्लेशन को और भी अच्छे से जानने के लिए आप हमारा वीडियो, इन्फ्लेशन बेस्ड मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है इकोनॉमी का, आप उस पर जाइए और उसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ इंडिया ने $500 का पैकेज जो है अनाउंस किया है मालदीव्स के लिए। GMCP प्रोजेक्ट जो कि है टू बी द बिगेस्ट इंट्रा आइलैंड कनेक्टिविटी प्लान इज़ द इन द आइलैंड नेशन, से सेंटर का कहना है कि आइलैंड नेशन के अंदर सबसे बड़ा जो है हम कह सकते हैं इंट्रा आइलैंड कनेक्टिविटी प्लान जो है वो लॉन्च होने जा रहा है GMCP प्रोजेक्ट के तौर पे। इंडिया ने अनाउंस किया है न्यू कनेक्टिविटी मेजर्स फॉर द मालदीव्स इंक्लूडिंग एयर, सी, इंट्रा आइलैंड एंड टेलीकम्युनिकेशन इन एन एफर्ट टू हेल्प द इंडियन ओशियन आइलैंड्स डील विद द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक। एमंग द इनिशिएटिव्स अनाउंस्ड एट अ मीटिंग बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी एस जयशंकर और मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग हुई इनके बीच में थर्सडे को, जिसके बीच इस कनेक्टिविटी की बात हुई। एंड एयर कनेक्टिविटी बबल फॉर ट्रेवल, अ डायरेक्ट फेरी सर्विस, अ सबमरीन केबल फॉर टेलीकॉम कनेक्टिविटी एंड असिस्टेंट फॉर द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो GMCP तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं, इसके अलावा ये सारी चीज़ें जैसे बबल है, फेरी सर्विस है, या फिर सबमरीन केबल टेलीकॉम कनेक्टिविटी है, इन सब प्रोजेक्ट्स पर बात हुई। ओके, एंड टू कनेक्ट मेल टू 3 नेबरिंग आइलैंड्स, दी बिगेस्ट सच प्रोजेक्ट सच फॉर दस फॉर मतलब आज तक का सबसे अभी तक का आइलैंड्स के बीच हुआ सबसे बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, और ये जो है ये साइन किया गया है, लॉन्च किया गया है GMCP बिटवीन द आइलैंड्स, मालदीव्स और इंडिया के बीच में। रिस्पॉन्डिंग टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अनाउंस्ड India's decision to support the implementation of GMCP. GMCP के मालदीव्स में जो GMCP लॉन्च किया गया है उसको इंडिया का पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, और इंडिया अपनी तरफ से $500 का सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। ओके, तो ये जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल बाउंड्रीज या नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड जो हमारे रिलेशंस हैं उनके बारे में ये आर्टिकल दिया गया है, ठीक है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन एडिटोरियल सेक्शन, एंड क्या है ये आर्टिकल, एडिटर्स चॉइस है, एडिटर्स व्यूज़ हैं बेसिकली। लेट्स सी व्हाट इट इज़। राइट बाय बर्थ, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन कॉपरसिनरी राइट्स ऑफ वुमेन इज़ इन लाइन विद द एम ऑफ एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए, देखिए लास्ट अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है हिंदू डॉटर्स के राइट्स को लेकर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर, और उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। लेटेस्ट डिसीजन रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ जो है उनके ऊपर, हिंदू डॉटर्स रिलेटेड है ये, उनको पूरा अधिकार दिया जाएगा। करेक्ट एंड ऑब्वियस एनोमली इन द इंटरप्रिटेशंस ऑफ अ क्रूशियल 2005 अमेंडमेंट, 2005 का जो अमेंडमेंट है उस पर बेस्ड है ये, टू द सक्सेस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ओके, इसमें अमेंडमेंट किया गया था, उसके मुताबिक उस पर ये डिसीजन दिया गया है। द वर्डिक्ट सेटल द क्वेश्चन वेदर द कॉपरसिनरी राइट्स ऑफ डॉटर्स कम्स इन टू इफेक्ट ओनली इफ द फादर थ्रू होम they claim that right was alive on the day of the amendment came into force। जिस समय ये amendment लागू हुआ है, ये amendment लाल मतलब जो implement किया जा रहा है, तो जैसे ही implement जिस समय force में आएगा उस दिन जिसके पिताजी available हैं जिस daughter के future में, उनके लिए ये जो act है सहभागिता या संयातदाता अधिकार से संबंधित ये जो act है ये लागू होगा, ठीक है। And the apex court has now categorically ruled that the daughter's right flows from their birth and not by any other factor such as the existence of their father। वहीं कोर्ट का या एपेक्स कोर्ट का ये कहना है कि एक पुत्री का जो अधिकार है वो जन्म से ही चले आते हैं,
जन्म से ही चले आ रहे हैं, ना कि उसके पिता के होने या ना होने से, उसके बर्थ से ही उसको ये अधिकार। यदि एक लड़के को बर्थ से पिता की संपत्ति का पूर्ण अधिकार है तो लड़की को भी है। उसके लिए उसके पिता का होना, अमेंडमेंट के दिन तक पिता का होना इज़ नॉट दैट मच कंपल्सरी। ओके एंड या द नेक्स्ट इज द फेरल इक्वल स्टेटस एज अ कॉपरसिनर ऑफ ऑन डॉटर्स इन हिंदू फैमिलीज गवर्न्ड बाय मिताक्षरा लॉ एंड दिस राइट अक्रूड बाय बर्थ द चेंज केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम September 9, 2005 से इस लॉ को जारी किया गया था। बट विद अ प्रोविजन दैट पार्टीशंस ऑफ टेस्टामेंट्री डिस्पोजेंस दैट had taken place prior to December 2004, the date on which the amendment bill was introduced in Rajya Sabha will remain valid and unaffected by the change. This led to the interpretation that the daughter's corpuscularity rights being prospective would not come into effect unless both the corpuscular father and his daughter were alive on September 9, 2005. This position was crystallized in 2015 judgment of the Supreme Court in Prakash and others versus Phulawati. Okay, this judgment now stands overruled. The court's reasoning in unexceptional or unexceptionable, first it locates the origin of the corpuscularity rights in one's birth, second it finds that there is no necessity for a predecessor corpuscular to be alive for one to acquire that status. एक्चुअली अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत देखिए ये एक मुद्दा चला आ रहा था काफ़ी टाइम से और ये डिसीजन दिया गया। सो बेसिकली देखिए सॉरी टू इंटरप्ट, देखिए बेसिकली मुद्दा क्या है, इश्यू क्या है, राइट बाय बर्थ। ये जो रिसेंट जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अपना डिसीजन दिया गया है, मुद्दा ये है कि 2005 में ये अमेंडमेंट हुआ, 2004 में इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। अब राज्यसभा मेंबर्स का और जो डिसीजन था उस समय 2005 में जब इसे जारी किया गया तब ये डिसीजन पास किया गया कि ये जो अपनी कॉपरसिनरी जो ऐड है या कॉपरसिनरी राइट्स जो हैं ये बेसिकली तब इम्प्लीमेंट होंगे जिस समय उस लड़की के उस जिस दिन 2005 में जब ये अमेंडमेंट हुआ है उस दिन जिन बेटियों के पिताजी अवेलेबल हैं, जीवित हैं, उन्हीं बेटियों को ये फ़ायदा आगे जाके मिलेगा। तो काफ़ी इसके लिए जद्दोजहद चल रही थी, काफ़ी लंबा जो है एक अमेंडमेंट चल रहा था, काफ़ी सारे जो है हम कह सकते हैं लेजिस्लेशंस इससे रिलेटेड अलग अलग स्टेट्स में इशू किए गए हैं पुराने टाइम से, 1975 से चले आ रहे हैं। 1986 में आंध्र प्रदेश में हुआ, फिर 1989 में तमिलनाडु में लेजिस्लेशन जारी हुआ, इसके अलावा 1994 के अंदर कर्नाटका और महाराष्ट्र में हुआ। तो देखिए इस डॉटर्स राइट्स पर बेस्ड जो ये जो पर्टिकुलर अधिकार है, ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो उस समय जो जारी किया गया था एक मुद्दा कि जब बेटियां जिस समय अवेलेबल, जिनके पिताजी अवेलेबल है उस अमेंडमेंट के जारी होने तक या जारी होने वाले दिन, उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा, तो उस पर काफ़ी जद्दोजहद या काफ़ी हम कह सकते हैं डिस्कशन के बाद फाइनली ये एक 15 सालों बाद अल्टीमेटली ये डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया है कि एक बेटी को अपने अधिकारों के लिए पिता के होने की क्यों आवश्यकता है। जब एक बेटे के अधिकार बचपन से होते हैं, जन्म से ही होते हैं, तो बेटी के अधिकार भी जन्म से ही होंगे। उसके लिए उसे ये ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन ये अमेंडमेंट हुआ उस दिन उसके पिताजी हो या ना हो, उसके पिताजी है चाहे नहीं है, उसका अपने पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार है। सॉरी और इसके लिए उन्हें किसी भी तरीके के पर्टिकुलर डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अमेंडमेंट की डेट का जो मुद्दा पहले लाया गया था, ये जो अधिकार दिया गया था कि अगर अमेंडमेंट की डेट पे आपके पिताजी हैं तो ये
जो है जारी होगा, ये मतलब आपको अधिकार होगा प्रॉपर्टी का। तो इसका मतलब उससे पहले जिनके पिताजी गुजर चुके हैं या पिताजी नहीं हैं, तो क्या उन लोगों को, उन बेटियों को अधिकार नहीं है अपने पिता की संपत्ति में? तो ये सारा मुद्दा जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया था। और अल्टीमेटली रिसेंटली जो है ये जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये आदेश जारी किया गया है कि विमेन जो है उन्हें उनको कोई भी लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पिताजी उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट वाली डेट पे थे या नहीं थे। बेटियों के लिए पूर्ण अधिकार है कि वो पूरी तरीके से अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार रखती है। उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि उस समय अमेंडमेंट वाले दिन उनके पिताजी हो, क्योंकि ये अधिकार वो जन्म से बाय बर्थ लेकर आई है, ना कि कल परसों में या उनके पिता के होने या ना होने से डिसाइड होगा कि उन्हें कितना अधिकार है। ठीक है, तो ये आर्टिकल उस पर बेस्ड था। नेक्स्ट आर्टिकल इज हिस्टोरिक रेटिफिकेशन, द यूनिवर्सल रेटिफिकेशन ऑफ अ लेबर स्टैंडर्ड इज कॉज फॉर सेलिब्रेशन एंड रिफ्लेक्शन, द वेलकम डिसीजन बाय द किंगडम ऑफ तोंगा ऑन सॉरी टू आउटलॉ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर इज द फर्स्ट टाइम इन द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है 101 ईयर की हिस्ट्री के अंदर कि लेबर से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो है वर्स्ट फॉर्म सामने आया और उससे रिलेटेड कुछ डिसीजन दिया गया जिसे वेलकम किया जा रहा है। नाउ द दैट द लेबर स्टैंडर्ड हैज़ बीन यूनिवर्सली रेटिफाइड, ये लेबर स्टैंडर्ड को यूनिवर्सली रेटिफाई कर दिया गया है। कन्वेंशन 182 विच वॉज अडॉप्टेड इन द 1999 एनुअल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस प्रोहिबिट्स द सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ट्रैफिकिंग एंड डिप्लॉयमेंट इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर कंडीशंस दैट कंप्रोमाइज देयर ओवरऑल वेल बींग। द कन्वेंशन कम्प्लीमेंट्स द ILO's एफर्ट्स अंडर द 1973 मिनिमम एज कन्वेंशन टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द लोअर एज थ्रेसहोल्ड। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ दीज ILO स्टैंडर्ड्स मिलियंस ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैव बीन रेस्क्यूड फ्रॉम हैज़ार्डियस कंडीशंस ऑफ वर्क। ओके, काफ़ी हम कह सकते हैं काफ़ी मात्रा में बच्चों को काम करते हुए पाया जाता है, यंग चिल्ड्रंस को, और उसी के चलते ये लॉ, लेबर लॉ जारी किया गया था। और उसको 101 साल जो है हिस्ट्री के तहत ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था जिसे वेलकम किंगडम ऑफ तोंगा ने जो है इसे एक्सेप्ट किया है। ओके, देखिए ऑल ओवर इन वर्ल्ड ये जो मुद्दा है या ये जो डिसीजन है या ये जो लॉ है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, ये काफ़ी अपने स्तर पे वर्क कर चुका है। हर जगह, हर सिटी के अंदर, हर कंट्री में इसको जो है रेक्टिफाई कर दिया गया है। ये पर्टिकुलर लॉ जारी कर दिया गया है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का होगा वो कहीं पर भी काम नहीं कर सकता है ना। तो वही जो डिसीज़न है, इस डिसीज़न को किंगडम ऑफ टोंगा में भी जो है अलाउ किया गया, वेलकम किया गया है। ठीक है, जहाँ पे चाइल्ड लेबर से रिलेटेड बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस देखने को मिलती थी, तो ये उसी पर बेस्ड है। एज द वर्ल्ड प्रिपेयर्स टू डेजिग्नेट 2021 एज द ईयर टू अबॉलिश चाइल्ड लेबर, गवर्नमेंट्स मस्ट सीज द मोमेंट टू इंस्टिल होप इन द फ्यूचर जनरेशंस। देखिए पूरे विश्व में जहाँ पे ये बात जारी हो चुकी है, ये मुद्दा जारी हो चुका है कि जो लोग, जो बच्चे, जो जो कार्य कर रहे हैं उन्हें उस कार्य से मुक्त करना होगा, और हर देश में लागू करना होगा जो लेबर लॉ, मतलब बच्चे जो है कार्य नहीं करेंगे उनको बचाने के लिए हर क्षेत्र में, हर देश में, हर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस चाइल्ड लेबर को जो है या चाइल्ड लेबर लॉ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन्हें सॉर्ट आउट किया जा रहा है। और विश्व स्तर पर एक प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों को लेबर से, चाइल्ड लेबर से जो है बचाया जा सके। तो गवर्नमेंट उसके लिए अपने महत्वपूर्ण सारे प्रयास कर रही है सभी देशों में। भारत में भी ये प्रयास बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं, और अभी रिसेंटली जो है सरकार ने और भी अपने प्रयासों को शक्ति दिखाई है, और उसी के चलते हम ये कोशिश कर रहे हैं या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस पर महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। और अब जो थोड़ा बहुत भी चाइल्ड लेबर नज़र आता है उस पर अपनी नज़रें रखेगी और ट्रैफिकिंग से बच्चों को बचाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल और हिस्टोरिक रेटिफिकेशन की बात कही है यहाँ पे। द नेक्स्ट इज स्कूल्स विदाउट फ्रीडम,
If they had some autonomy, many village schools would have found local conditions now good enough to allow children to study. देखिए बहुत सारी जगह, बहुत सारे गांव, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे पहले स्टडीज़ अलाउ नहीं थी बच्चों को, लेकिन अब जो है हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव, हर एक ढाणी में ये देखने को मिलता है कि बच्चों को अब स्टडी के लिए अलाउ किया जाता है. तो ये जो है ना, स्कूल विदाउट फ्रीडम की बात कही गई है इस आर्टिकल में. इफ़ अ हाउस नीड्स रिपेयर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो, इफ़ अ हाउस नीड्स रिपेयर एंड द रिपेयर्स आर डिलेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, द हाउस डेवलप्स अ फोर्स टू हॉन्ट इट्स इनहैबिटेंट्स ड्यूरिंग एडवर्सिटी. दिस एनालॉगी अप्लाइज टू द स्टेट ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन. देखिए जिस समय एक घर को रिपेयरिंग की नीड है और बहुत लंबा समय हो गया कि आपने उसके अंदर रिपेयरिंग को फोकस नहीं किया है, रिपेयरिंग नहीं करवाई है, तो अल्टीमेटली वो घर जो है वो आपको बदतर कंडीशन में ले जाके अपनी स्थिति ऐसी स्थिति में ले जाएगा जिस समय आप वो रहने लायक भी नहीं होगा, तब अल्टीमेटली आप उसका क्या करेंगे, रिपेयरिंग करवाएंगे. तो अल्टीमेटली वही कंडीशन चाइल्ड लॉ को लेकर, चाइल्ड लेबर को लेकर देखने को मिलती है. सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, यही जो सिचुएशन है ये चिल्ड्रंस एजुकेशन को देखकर लगता है. तो चिल्ड्रन एजुकेशन इतनी ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उनको, चिल्ड्रन को जो है एजुकेट नहीं कर रहे हैं अपने घर में, तो अल्टीमेटली यू विल सी द वर्स्ट रिजल्ट्स इन द फ्यूचर. तो उससे पहले कि वो वर्स्ट रिजल्ट आपको देखने को मिले, उसे आप चिल्ड्रन को नरिश कीजिए विथ एजुकेशन एंड गो विथ इट. और उसी पर बेस्ड ये पूरा आर्टिकल है कि COVID-19 से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिले. जैसा कि आप सभी को पता है कि अल्टीमेटली ऑल ओवर इन वर्ल्ड, इवन इंडिया की तो मैं बात करूँ ही, तो हर जगह हर एक स्तर पे बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है. तो अल्टीमेटली दे आर एट होम, दे आर डूइंग ऑनलाइन स्टडीज़, दे आर डूइंग और नॉट, वी डोंट नो. तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो स्कूल्स भी ऐसी होती है जो विदाउट फ्रीडम है, इसके बारे में यहाँ बात की गई है. लर्निंग आउटडोर्स एंड समवेयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है स्कूल की. और लेकिन आज की डेट में अगर आजकल की स्कूल्स की बात की जाए, उनके वर्क क्राइटेरिया की बात की जाए, तो उसको देखते हुए वी कांट से दैट वी आर गोइंग टू गुड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, बिकॉज टीचर्स आर नॉट दैट मच फ्री टू बिहेव विद स्टूडेंट्स और टू डील विद स्टूडेंट्स. दे हैव टू गो थ्रू द स्कूल्स नॉर्म्स, दे हैव टू बी इन अंडर द थंब ऑफ द पर्टिकुलर प्रिंसिपल और ओनर ऑफ द स्कूल. सो समवेयर वी कैन से दैट स्कूल्स फ्रीडम इज़ नॉट दैट मच गोइंग ऑन. स्कूल्स आर नॉट दैट मच फ्री so that they can provide a good education or good system to students at all. Okay, so this article is based on all these things, the school conditions, the children conditions and all. Okay, the last article is the challenges in counting the dead से related जो counting है उसको लेकर जो challenges face कर रहे हैं COVID-19 की cases को लेकर, उसके बारे में बात की जा रही है. basically जो COVID-19 से related जो cases हैं उनको काउंट करना इसलिए थोड़ा चैलेंज बन के सामने आया है, बिकॉज जो हम कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी जिनकी डेथ हुई है उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे, है ना. और भी बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण डेथ हुई है. अच्छा, डेथ रेट्स इतनी हाई हो गई है कि वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डेटा टू काउंट दी डेथ रेट्स. और अगर डेथ रेट्स की बात करें तो इंडिया मस्ट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशंस फॉर इंप्रूविंग डेटा कलेक्शन. जिस तरीके से हम डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, डेथ काउंट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडिया को ज़रूरत है कि वो इस तरीके के इनोवेशंस लेकर आए सामने, उन इनोवेशंस में पैसा खर्च करें जो इनोवेशंस एक करेक्ट रिपोर्ट पेश करने में या कलेक्शन पेश करने में सरकार या अन्य डिपार्टमेंट्स की हेल्प कर सकें. सो ये आर्टिकल उसी पर बेस्ड है कि किस तरीके से COVID-19 के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और हम इतने मैच्योर नहीं हैं, या हम कह सकते हैं इस एरिया में हम इतने इनोवेटिव नहीं हैं कि हम डेथ को प्रॉपरली, डेथ केसेस को काउंट कर सकें, है ना. तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है कि उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं COVID-19
के दौर में हमें पता चला है कि हमें कलेक्शन वर्क और रिपोर्टिंग वर्क पे भी ध्यान देना होगा और उससे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है। इससे पहले जो है हमने हिस्टोरिकल रेटिफिकेशन, स्कूल्स विथ फ्रीडम और बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई है। अगर कोई आर्टिकल ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। आई विल बी देयर टू आंसर यू। थैंक्स फॉर बींग विथ मी। बाय बाय, टेक केयर, keep watching, keep learning, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Okay, bye bye, take care.